हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अब तक कितने फॉर्म भरे हैं, यानी कि अब तक आपके जो है कितने आवेदन हो चुके हैं दोस्तों। तो इसको गणना करने के लिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को लेंगे, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। साथ साथ बताएंगे दोस्तों किस किस जोन में, यानी किस जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं, कितने आवेदन हुए हैं 24 मार्च 2019 तक, यानी कि 6 बजे तक का ये डाटा कलेक्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी हमने चीज़ें लिया है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो वो हमने 24 मार्च 2019 यानी कि 31 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाना है। तो अब तक आप सभी लोगों को फॉर्म को डाल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो साइबर में जो भी चीज़ें आती हैं, जो हम जाके जो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो दोस्तों आपका पुराना होता है, यानी कि 1 घंटा पुराना हो सकता है, 5 घंटा और 1 दिन तक का भी पुराना हो सकता है। तो 1 दिन तक का जो है हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों 1 दिन तक का पुराना नहीं होगा, लगभग में आपका समथिंग में जो भी हम आपको बताएंगे उससे थोड़ा सा ही जो है अंतर पड़ेगा। साथ साथ एक और चीज़ मैं कंफर्म बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके कारण जो है रजिस्ट्रेशन आपको ज़्यादा दिखाई देगा, फी पेमेंट के बाद ही जो है फॉर्म को ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं अहमदाबाद से शुरू करते हैं किस जोन में कितने फॉर्म आपके डाले गए हैं, कितने आवेदन किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में जो आपके फॉर्म डाले गए हैं, रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऑथेंटिक फॉर्म तभी माना जाता है, फी में पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,37,913 जो है अब तक रजिस्ट्रेशन आपके दिख रहे हैं, और इससे ज़्यादा ही जो है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, इससे ज़्यादा ही जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, कितने आपके फॉर्म या रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो जोन है दोस्तों अजमेर, अजमेर में दोस्तों जो आपका 3,78,004 जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा ही जो है आपके फॉर्म आवेदन हो चुके होंगे। जब हमने यहाँ पर चेक किया था दोस्तों, तो 3,78,004 जो है आपके रजिस्ट्रेशन, चारवा रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट पॉपुलर जोन जो है इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में कितने फॉर्म भरे गए दोस्तों। तो यहाँ पर कल तक का ये डाटा है दोस्तों, कल तक जो है आपके फॉर्म जो भरे गए थे वो आपका 8,50,631 जो है फॉर्म भरा गया था। तो दोस्तों ये आप लगभग 9 लाख या 10 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा, 9 लाख के आसपास आपका ये इलाहाबाद पहुंच चुका होगा दोस्तों। यहाँ पर सीट काफ़ी है और ए अल्फाबेट से ये पड़ता है, इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, यूपी में, एक तो ये यूपी में पड़ता है इसके कारण भी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो जोन है दोस्तों बैंगलोर, बैंगलोर में कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों पिछले साल जो है कट ऑफ कम गया था, इसके कारण जो है आपके अधिक से अधिक यहाँ पर भी फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो रजिस्ट्रेशन अब तक जो हुआ है 5,56,324 जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं होता है, जब तक जो है फी पेमेंट ना हो जाए, जब तक जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना कर लिया जाए, तब तक ये जो है आप जो जो क्राउड जो समझ रहे हैं कंपटीशन के लिए, ये आपका दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं फॉर्म फिल करके भी देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करके भी देखते हैं कि कहाँ पर जो है कितने फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो जोन है दोस्तों भोपाल, भोपाल में भी ठीक ठाक ही था दोस्तों, यहाँ पर भी कंपटीशन भी ठीक भी है। तो यहाँ पर दोस्तों 2,58,000 के करीब जो है, यहाँ पर 2,58,287 जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों, इससे अधिक ही जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे या हो चुके होंगे दोस्तों, जो हमने देखा था। तो यहाँ पर 2,58,287 जो है 87वां जो था वो रजिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में कितने जो है आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1,82,967 जो है 67वां जो है हमने रजिस्ट्रेशन देखा था दोस्तों। तो इससे अधिक ही जो है आपके फॉर्म या रजिस्ट्रेशन जो है आपके फिल हो चुके होंगे। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों बिलासपुर की, तो बिलासपुर में भी आपका वही है 1,81,304 जो रजिस्ट्रेशन था, तो इससे अधिक ही जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे दोस्तों, 1,81,304। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जोन चंडीगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी फॉर्म फिल हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें तो 5,85,615 जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों, तो इससे अधिक ही जो है आपके फॉर्म फिल हो चुके होंगे या रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों, जब आप वीडियो को देख रहे होंगे। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जोन की बात करें दोस्तों चेन्नई, चेन्नई में भी लगभग आपका कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है,
लगभग जो है 4,70,102 जो है रजिस्ट्रेशन था, तो इससे अधिक ही जो है आपके फॉर्म फिल हो रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका कंपटीशन के मामले में ठीक ही है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्म भरना ठीक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जून का देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में धड़ाधड़ जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 5 बजे तक का बता रहे हैं आपको, 5 से लेकर 6 के करीब में हुआ था रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर है दोस्तों 5 बज के कुछ मिनट था, मैं यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, 5 से 6 के बीच में था दोस्तों। यहाँ पर ये यूपी में पड़ता है और पिछली बार जो है 77 के आसपास, मतलब इसका और इलाहाबाद का लगभग जो है यहाँ पर सेम रहता है कट ऑफ। अगर आप किसी भी देख लें, अगर आप ग्रुप डी का भी रेलवे का रिजल्ट आया या फिर पिछले ईयर एनटीपीसी का देख लें, तो सेम टू सेम लगभग रहता है। एक तो ये यूपी में पढ़ते हैं और जो है यहाँ पर सीट भी उतनी खास नहीं है, 1200 के आसपास जो यहाँ पर सीट है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ 4,85,117 जो है आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इससे अधिक ही आपका होने वाला होगा। तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है 4,85,117। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जोन की बात करें गुवाहाटी की दोस्तों, तो गुवाहाटी में आपका जो है रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख जो है यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, 2,08,901 जो है यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नेक्स्ट बात करें जम्मू की, तो यहाँ पर जो अभी 1 लाख के करीब चल रहा था पीछे 2 दिन पहले, तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन लगातार हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको हाई देखने को मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, 3,51,586 जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में जैसे पहले था जैसे रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ या फिर जो है पहले का कट ऑफ देख के ही लड़के यहाँ पर जो है लग रहा पीछे हट रहे हैं, या जो भी वजह रहा हो, यहाँ पर भी उतनी स्पीड नहीं है दोस्तों फॉर्म भरने की जैसे कि पहले यहाँ पर क्राउड रहता था। तो यहाँ पर भी आप ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये एक, अब मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको कहाँ से भरना चाहिए या कहाँ से आप भरें, ये आपकी च्वाइस है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, क्या होता है अधिकतर कि जो आप सोचते हैं वही बच्चे यहाँ पर सोचते हैं। तो अगर पिछली मतलब इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो है कट ऑफ हाई गया है कोलकाता का, तो अब सब लोग कोलकाता से भागेंगे, या फिर पिछली बार जो एनटीपीसी का गया था कट ऑफ हाई तो कोलकाता से भागेंगे। तो दोस्तों ये भी एक मेंटेलिटी होती है, सिर्फ मेंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। कट ऑफ देख लीजिएगा कितना फॉर्म भरा गया है, ये भी देख लीजिए, सब कुछ आप देखकर दोस्तों जो हम लोगों के या किसी के भी कहने पे, मेरे या किसी के भी कहने पे आप अपना जोन सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बाद में आप पछतावा होगा कि यहाँ से नहीं भरना चाहिए था, वहाँ से भरना चाहिए था, या फिर सोचेंगे कि यहाँ पे नौकरी नहीं कर पाने। आप नौकरी जो है दोस्तों आपको करनी है, कट ऑफ किस में आप आ सकते हैं ये सभी डिसाइड जो है आपको करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों 3,72,456 जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कोलकाता में। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जोन है दोस्तों मालदा। मालदा में भी लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2,98,000 लगभग, ये 3 लाख के करीब जाने वाला है दोस्तों, 2,98,881 जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ जो था पिछली बार वो बहुत ही कम था, इसके वजह से जो है यहाँ पर कंपटीशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं। नेक्स्ट जोन है दोस्तों मुंबई। मुंबई में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ चल रहे हैं, यहाँ पर भी 7 लाख का क्राइटेरिया पार कर चुका है, 7,08,415 जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों मुंबई जोन में। नेक्स्ट जोन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जोन बात करेंगे सबसे कम जो कट ऑफ गया था शायद यहाँ पर मुजफ्फरपुर का गया था दोस्तों। तो वहाँ यहाँ पर इस बार भी आपका जो है कंपटीशन कम ही है, लेकिन सीट भी काफ़ी कम है दोस्तों, यहाँ पर सैकड़ों में ही सीट रह गई है। तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर जो कंपटीशन दिखाई दे रहा है, जो जितने आपके रजिस्ट्रेशन हुए वो बता दूँ तो 1,86,180 जो है आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट जोन देख लें। नेक्स्ट जोन की बात करें दोस्तों पटना। यहाँ पर भी कट ऑफ कम गया था दोस्तों, अब पता नहीं क्यों यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कम ही हो रहे हैं दोस्तों। रांची और पटना दोनों का 63 गया था दोस्तों, तो काफ़ी हाई नहीं है। इलाहाबाद और गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर 70 पारी ये चले जा रहे हैं, 77-78 के करीब चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर भी आपका कंपटीशन कभी अभी देखने को मिल रहा है, अब ये आगे चल के क्या होता है लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन जितने हुए हैं वो मैं बता दूँ, 1,58,000 आपका 651 जो है अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं पटना में। ठीक है, नेक्स्ट जोन देख लेते हैं। पटना के बाद रांची की बात करें दोस्तों, रांची और पटना के लगभग जो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ सेम ही था, और यहाँ पर भी देखने को वैसा ही कुछ मिल रहा है कंपटीशन के मामले में। तो रांची में जो शायद पटना से जो है अधिक आपकी सीट है,
तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 1,98,265 जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो 2 लाख का ये अभी पार करने वाला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में सीट ठीक ठाक ही है और यहाँ पर फॉर्म भी जो फिल हो रहे हैं वो भी ठीक ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर 6 लाख का जो है क्राइटेरिया पार कर चुका है, 6,08,651 जो है आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जोन का देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर कम, अभी वहाँ पे सीट पे भी बहुत कमी है, सीट बहुत ही कम है दोस्तों सिलीगुड़ी में। तो यहाँ पर भी आपका जो फॉर्म अब तक जो हमको मिला है ये आज 2 बजे तक का है दोस्तों, 2 बजे का शायद ये फॉर्म फिल हुआ था तो वो हमारे पास आया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको 80,160 ही आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो सिलीगुड़ी भी आपके भरने के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो भी स्टूडेंट, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ दोस्तों, अपने हिसाब से भरिएगा, लेकिन यहाँ पर जो है कंपटीशन कम दिख रहा है, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जोन देख लें। नेक्स्ट जोन बात करेंगे दोस्तों त्रिवेंद्रम की। तो त्रिवेंद्रम में जो आपके कंपटीशन चल रहे हैं, जितने आपके रजिस्ट्रेशन हुए उसकी बात करें तो 2,19,357 जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों त्रिवेंद्रम में। तो देखिए दोस्तों ये था रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अब तक कितने फॉर्म कहाँ पर फिल हुए हैं दोस्तों, ये सभी चीज़ें दोस्तों किस तरह से बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो उनको मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन नंबर में जो आपके आगे के कोड होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं जो सेंटर या जोन है उनका होता है, साथ ही साथ दोस्तों जो आपके पीछे के होते हैं उसके हिसाब से बताया जाता है लगभग में। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, जिन लोगों को विश्वास नहीं है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, साथ साथ जो है दोस्तों आप खुद रजिस्ट्रेशन करके हर एक जोन का देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अंतर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है फॉर्म हर एक घंटे जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी किसी जोन में एकदम हजारों में, लाखों में, लगभग में चले जा रहे हैं एक ही दिन में, और किसी जोन में जो है हजारों में ही रह जा रहे हैं, सैकड़ों में ही रह जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर अपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों देखो सीखो स्टडी जो जो सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट तक मिलते रहें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलते रहे, धन्यवाद।